हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है अयोध्या एयरपोर्ट। आपको बता दें दोस्तों, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी की T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसने पहले पायदान पर अपनी जगह बनाई है। 275 अंकों के साथ उसने पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। वहीं पर अगर इंग्लैंड टीम की बात करें तो उसके पास 271 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर 266 अंकों के साथ भारतीय टीम है। तो यहाँ पर जो टॉप 3 टीमें हैं उसमें कौन कौन है? सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है इंग्लैंड, उसके बाद है इंडिया यानी भारत। और ये हम बात कर रहे थे T20 इंटरनेशनल मैचेस के बारे में। और ये जो रैंकिंग है ये ICC की तरफ से जारी की गई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई, अभी जो है कुछ दिन पहले इसकी घोषणा करी गई थी। तो अब ऐसा पहला राज्य जिसको लागू करने वाला बना है वो है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसको जो है ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि अगर पेपर्स पर ये पॉलिसी बनाई गई है तो इसमें कई सारी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन इनको ज़मीन पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अब जो है राज्य जो हैं वो अपने लेवल पर, जैसे कि आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश ने 43 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि इस नई शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए कवायद करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के हैं, टास्क फोर्स के अध्यक्ष उनको बनाया गया है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेजेस के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पोर्चुगल के लिए खेलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो जो है वो महज दूसरे फुटबॉलर हैं। उनसे पहले ईरान के अली देई ऐसा कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो 2 गोल दागा था। उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड फिलहाल अली के नाम दर्ज है।
है जो 109 इंटरनेशनल गोल दाग चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में फिलहाल 101 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है जयप्रकाश रेड्डी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है 74 साल की उम्र में। उन्होंने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई थी। रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हालांकि कन्नड़ और तमिल जो सिनेमा है उसमें भी उन्होंने कुछ फिल्में करी हैं। जयप्रकाश रेड्डी को प्यार से जेपी बुलाया जाता था फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने कॉमिक और चरित्र भूमिकाओं के अलावा कुछ फिल्मों में विलेन के किरदार भी निभाए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? इसका सही जवाब है रूस। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। स्पुतनिक 5 जो है उसको रूस का गमलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF ने विकसित किया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, सवाल था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है असम। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में लगभग 200,000 युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना जिसे अंग्रेजी में कहा जा रहा है उसका नाम ये है, और यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस योजना के तहत स्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगरों के आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है, भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं नेपाल एवं चीन, इजराइल एवं अमेरिका, चीन एवं रूस, रूस एवं पाकिस्तान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।